हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बारे में प्रॉपर तरीके से अपन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे कि क्या है कैन कैसे काम करती है, ठीक है। सो मैं आपको बता, यहाँ पे आप प्रॉपर देखिएगा, सारी चीज़ों को प्रॉपर समझिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड कैसे काम करता है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करिए, मार्केट क्या होता है कि अप साइड से डाउन डायरेक्शन की तरफ आता है, एंड मार्केट कुछ इस तरीके से रन होता है। एवरी टाइम आप देखिएगा, जब भी आप मार्केट को देखेंगे, कुछ इस तरीके से मार्केट रन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट रन होता है। तो मार्केट क्या करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद में, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब पीछे कोई एक पॉइंट होगा या कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई एसी कैंडल होगी जो यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से वापिस सेम डायरेक्शन के लिए रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल होता है, ये एक कैंडल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। उस कैंडल को मैं भी आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करके दिखाऊंगा, बताऊंगा रियल चार्ट पे एग्जांपल देके कि मार्केट वहां पे किस तरीके से और कैसे बिहेव करता है, ठीक है। आपने वहां पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं पैटर्न आपको बताऊंगा। तो मार्केट क्या करता है कि जैसे ही मार्केट अप डायरेक्शन से डाउन डायरेक्शन की तरफ आता है, तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एरिया आता है जो लोअर एरिया होता है, वहां से मार्केट अपनी एक कैंडल के माध्यम से टच करता है, या वहां पे मार्केट टच करके अप जाने का ट्राई करता है। ये जो एरिया बनता है, इस एरिया को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसी के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें रहेगी इसमें, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अपन प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद में जो नेक्स्ट एरिया आता है, ये सेल साइड का था। ऐसे ही कोई एक एरिया होगा जो बाई साइड के लिए बनेगा। अब सपोज करिए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई एक कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कैंडल थी, लास्ट टाइम इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई कैंडल थी जो कैंडल उसको रिवर्सल में लाने के लिए मार्केट को हेल्प की, तो मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल में आया, ठीक है। रिवर्सल में आने के बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मार्केट सेम डायरेक्शन में गया, लेकिन जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है, तो यहाँ से कुछ हल्का सा करेक्शन करता है। तो मार्केट क्या करेगा, दो डायरेक्शन क्लियर करेगा, या तो यहाँ से मार्केट सेल जाएगा वापस, ठीक है, डिपेंड करेगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर मार्केट यहाँ से बाई जाने का ट्राई करेगा। अब ये जो डिसीजन होता है सारा का सारा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिसाइडेड होता है, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्रॉस करने के बाद बाई जाएगा या क्रॉस करके वापिस सेम डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगा, ये आपको चेक करना है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर आप ये चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक कर पाते हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करेगा, ऑर्डर ब्लॉक का क्या पैटर्न रहेगा एंड काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट कन्वर्सेशन करते हैं कि जब मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगा, तो आपने यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी होगी। तो यहाँ पे आपको जो एंट्री होगा, ठीक है, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, या आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो एंट्री पैटर्न है वो 1 आवर पे है, अगर आप 1 घंटे पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं, तो आप 5 मिनट ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं, या 1 मिनट। तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्टेड टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे 15 मिनट पे करेंगे, 5 मिनट पे करेंगे, या कौन से टाइम फ्रेम पे आप यहाँ से एंट्री करना चाहेंगे, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ और टाइम, हाँ हो सकता है कि आपने अगर अच्छा ना लगे 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, या 15 मिनट पे, तो आप यहाँ पे 30 मिनट पे भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड आप पे करेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट 4 घंटे के ऊपर देख रहे हो, पूरा का पूरा एनालिसिस 4 आवर पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आफ्टर दैट जब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो 3 मिनट पे कर रहे हो, बाकी एनालिसिस आप फिर 15 मिनट पे करो। तो डिफरेंट टाइम पे आप कर सकते हो, बट एंट्री का तरीका एक ही रखना, टाइम फ्रेम डिसाइडेड रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप रखना चाहें,
ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, आपको एंट्री में हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ से जब ये पैटर्न खत्म हो चुका होगा तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा एंड कैसे मोमेंटम आपको मार्केट में देगा वो अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो अपन बैक चार्ट पे चलते हैं, रीसेंट वाले मंथ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये कोई एक लो पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट क्या किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट आया। मैं रेंडम ले रहा हूँ, मैंने कोई भी एरिया सेलेक्ट नहीं किया, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगेन अप जाना स्टार्ट हुआ, मार्केट डाउन आया, यहाँ से वापस मार्केट यहाँ पे अगेन अप गया। इसके बाद मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है जब अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं राइट की तरफ बात कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मार्केट ने डेफिनेटली राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट वाला एरिया कौन सा हो गया, ये राइट से लेफ्ट इधर इधर कुछ ना कुछ पेंडिंग छोड़ा होगा। तो अब उस पेंडिंग एरिया को देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर ऐसा क्या पेंडिंग छोड़ा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट वापस अप चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपका जो हाई और लो एरिया बनेगा, हायर हाई हायर लो, अगर आपको मार्किंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मेरा एक वैलिड पुल बैक का चैप्टर है, उसमें आप जाके देख लेना, जो वैलिड पुल बैक होगा उसको आप हाई लो मार्क करोगे। तो ये है कि लास्ट आप देखोगे तो आपका मार्केट यहाँ से सेल में है, तो सेल का मतलब ये होता है, तो बिफोर बाइंग लास्ट जो कैंडल होगी आपको उसको ड्रॉ करना होगा। अगर मार्केट सेल साइड में है तो आपको बाय की कैंडल करनी होगी, अगर मार्केट बाई साइड में तो वहां पे आपको सेल की कैंडल करनी होगी। तो ये वाली वो लास्ट के बाइंग कैंडल है, ठीक है, लास्ट कैंडल बिफोर द बाय, बाई जाने से पहले जो लास्ट कैंडल होगी, कई लोग इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे, कहीं इसको भी ले सकते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न है चीजों को समझने का, बट मैं यहाँ पे अगर दोनों कैंडल्स को लूँ तो रेड और ग्रीन दोनों कैंडल कवर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, बस आपको समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि रेड लेने से ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है, बट लोगों ने ऐसी चीजें बना रखी है। तो आप क्या करना है, सिर्फ लास्ट कैंडल देखनी है आपको, लास्ट वाली, चाहे वो बाय वाली हो चाहे सेल वाली हो, कोई मैटर नहीं करता उस पर कलर। तो ये एक 50% एरिया निकल के आता है, 50% वाला, जहां से ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया एंड यहां से ऑर्डर ब्लॉक ऊपर जा चुका मार्केट। अब यही चीज अपन अगर ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे गया। अब टॉप पे जाने के बाद भी जाहिर सी चीज है, मार्केट कहीं ना कहीं क्या करेगा, मार्केट यहाँ से लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अगर अपन बैक टेस्ट करके पीछे देखें तो राइट से लेफ्ट की तरफ भी मार्केट ने कुछ यहाँ पे पेंडिंग रखा होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरा है। तो मार्केट ने क्या रखा है देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे पेंडिंग रखा हुआ है क्या, ये वाला एक कैंडल है जिसको ऑर्डर ब्लॉक विथ FVG, ठीक है। अब कई लोग FVG नहीं जानते होंगे, वो भी मैं सिखा दूंगा, अगर आपको अभी सीखना है तो मेरा कुछ वीडियोस पुराने YouTube पे जिनमें FVG के बारे में बताया गया। अब ये वाला कैंडल हो गया, उसके बाद ये वाली कैंडल की आप भी सेम चीजें, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और ये वाला भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है, ये मिड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बीच के अंदर आता है ये। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वो जोन है जहां पे मार्केट एज ए रिटेस्ट के तौर पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा क्या जाएगा, ये रिटेस्ट वाला एरिया है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको टच कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे कुछ कर रहा है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये मार्केट ने यहां तक तो अपना ऑर्डर ब्लॉक ले लिया एंड मार्केट गिर गया। अब नेक्स्ट टाइम जब फिर मार्केट आएगा तो ये वाला एरिया बचा हुआ है लास्ट कैंडल बिफोर द सेल, यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से अगेन आप सेल का कुछ सिनेरियो वगैरह देख सकते हैं। तो मार्केट अभी तक यहां पे नहीं आया है, ठीक है, जब आएगा तो आप यहां से कुछ इस तरीके से सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक का मार्किंग करना है एंड ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक का क्या सिनेरियो बनता है। तो ये नेक्स्ट एरिया है जहां पे अगर आपका मार्केट गोल्ड का आता है
तो आपने क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे यहाँ पे सेल आप कर सकते हैं। बट मुझे जितना लग रहा है, जितना मेरा एनालिसिस कहता है अभी तक, जितने मैंने इस पे गोल्ड पे एनालिसिस किया है, उस हिसाब से अगर आपका मार्केट डाउन आता है इसके नीचे, तो आप यहाँ से अगेन सेल कर दीजिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप सेल कर सकते हैं। आपका ये फर्स्ट टीपी रहेगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टीपी हो जाएगा यहाँ पे, जो एरिया मैंने बताया उसको क्लोज करके मार्केट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करनी है। अब ऑर्डर ब्लॉक की जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी एंड किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे ही आप ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग डन करते हैं, ठीक है, तो मार्किंग डन करने के बाद क्या होगा कि जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे या पैटर्न पे काम करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने ऑर्डर ब्लॉक ऊपर मार्क कर लिया, नीचे मार्क कर लिया, अब बीच में भी कहीं सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो वो सारे के सारे ट्रैप्स हो, ठीक है, जो मार्केट आपको ट्रैप करने का ट्राई करेगा। तो आपको मेजरली दो ही ऑर्डर ब्लॉक्स पे ज्यादा काम करना, एक तो टॉप वाला और एक बॉटम वाला, बाकी बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है, सपोज करिए मैं एन एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपको ट्रैप करेंगे सेम डायरेक्शन के लिए लेकिन थोड़े टाइम के लिए। यहां पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने मार्केट ने दिया आपको पूरा प्रॉफिट नहीं दिया, यहां से यहां तक दिया बस, आप ले सकते हो, ये भी कम प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है एंड नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है फिर, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, बार बार आपको टैप एंड ट्राई करने का कोशिश करेगा। उसके बाद अगला, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये लिक्विडिटी एरिया है बाकी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आपको फिर ट्रैप करेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर ब्लॉक से बचने का जो तरीका यही है कि आपको टॉप और बॉटम पे ज्यादा सेल करनी है, उसके बीच में आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड लेना है, टॉप या बॉटम पे, और टाइमिंग फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम भी मैंने आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।